नमस्कार दोस्तों, नॉलेज इन यू में आपका स्वागत है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, हमारे टेबल पे आज कुछ ज्यादा ही खुली हुई चीजें हैं। आप सोचेंगे ये क्या है, डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। एक 7000 mAh का पावर बैंक है जिसे हमने ऑलरेडी खोल रखा है। उसके बगल में है ची चार्जिंग बोर्ड, जिसे आप वायरलेस चार्जिंग के नाम से भी जानते हैं, वायरलेस चार्जिंग बॉक्स, और सैमसंग गैलेक्सी S8 फोन। सो आज हम करने वाले क्या है, यूजुअली आप देखते हैं कि पावर बैंक में से हम एक केबल लगाएंगे, कोई भी केबल इसमें लगेगा और फोन में जाएगा। पर इसमें दिक्कत ये है कि आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगा। अब दूसरा तरीका ये भी है कि आप वायरलेस चार्जिंग में लगा सकते हैं और ऑन करेंगे तो ये वायरलेस चार्जिंग ऑन भी होगा और इससे फोन चार्ज भी हो सकता है। पर केबल और निकालने डालने की दिक्कत भी बहुत होती है, प्लस वो अलग रहता है। तो आज हम बनाने वाले हैं एक यूनिफाइड वायरलेस चार्जिंग पावर बैंक, अगर अच्छी तरीके से बोला जाए। सारी चीज़ें वेस्ट में से बेस्ट बनाने का एक प्रयास है, आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। तो इसे करने के लिए पहले तो आप अपना पावर बैंक खोलोगे, उसका बोर्ड निकलेगा। पहले देख लीजिए आपका सप्लाई कहाँ पर है। तो मेरे सामने है ये यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट में फर्स्ट और लास्ट पोर्ट हमेशा सप्लाई का रहता है, आप उसको नाप कर भी देख सकते हैं। स्विच ऑन करके सप्लाई चेक कर ले कि प्रॉपर एम्पियर्स और वोल्टेज आपको मिल रहे हैं या नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें पूरे 5 वोल्ट मिल रहे हैं, जो कि एक ची वायरलेस बोर्ड को चार्ज करने के लिए काफी है। अब एक अच्छा सा स्टेडी, ना टूटे ऐसा हम वायर लेंगे हाथ में, जो अच्छा एम्पियर भी पास आउट कर सके। ध्यान रहे आपके शोल्डर्स अच्छी तरीके से लगे हो, क्योंकि अगर शोल्डर्स अच्छे नहीं होंगे तो वो गर्म होके निकलने का खतरा है। अगर ये निकल गए एक बार तो वायर अंदर भी शॉर्ट होने का खतरा रहता है। एक बात ध्यान रहे, आप कोई भी वायर शोल्डर करें, मेक श्योर करें कि वो शोल्डर एक अच्छा शोल्डर हो और वायर निकलने का खतरा ना हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अब वायरलेस चार्जिंग पावर बैंक बनाने के लिए क्या करना है। हमारे पास दोनों ही चीजें खुली हुई मौजूद हैं। उल्टा घुमा के देखेंगे तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिखेंगे, जो कि माइक्रो यूएसबी पोर्ट से आते हैं। माइक्रो यूएसबी पोर्ट में एक नियम यूनिवर्सल है, पहला और आखिरी दोनों सप्लाई के लिए ही बने होते हैं। पहला पोर्ट पॉजिटिव और आखिरी पोर्ट नेगेटिव होता है। इसी तरह पावर बैंक में 2 USB पोर्ट दिए गए हैं, जिसमें से पहला पोर्ट पॉजिटिव और आखिरी पोर्ट नेगेटिव होता है। ध्यान रहे पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलैरिटी अगर आपकी उल्टी होगी तो इसमें से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। शुरुआत करेंगे हम बोर्ड पे सबसे पहले वायर शोल्डर करने से। लाल वायर पॉजिटिव के लेंगे और सफेद वायर नेगेटिव के लिए हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने बोर्ड पर ऑलरेडी वायर्स शोल्डर कर लिए हैं। अब ये जो हमारा बॉक्स है, उसे ऑलरेडी हमने एक नीचे छोटा सा होल कर दिया है, जो कि पास होगा हमारी पावर बैंक के ऊपर के छोर पर से, नीचे से होते हुए पावर बैंक में जाएगा, ताकि आपको बार बार वायर निकालने की डालने की झंझट ना करनी पड़े। सीधा बटन दबाओ और आपका वायरलेस चार्जिंग शुरू हो जाएगा। शोल्डर करने के बाद आपको ध्यान से आपका बोर्ड जिस कंडीशन में पहले रखा हुआ था उसी कंडीशन में रखें। ध्यान रहे यहाँ पर मेरे पास जो बोर्ड है उस पर ऑलरेडी एक लाइन दिया गया है, जिस पर ची आपको प्लेस करना है। अगर आपका गम खराब हो गया हो तो मैं एडवाइस करूँगा कि नया कोई गम टेप ले ले डबल साइड, और उससे प्लेट को शोल्डर बोर्ड पे चिपका दे। ये लीजिए दोस्तों, हमने यहाँ से वायर को पास कर लिया है
और अच्छी तरह से उसे जो है पावर बैंक के ऊपर प्लेस कर दिया है। ध्यान रहे पावर बैंक लगने के बाद आपका जो बटन है वो एक्सेसिबल रहे, उस तरीके से लगाएं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने ऑलरेडी हमारा वायर जो है वायरलेस चार्जर में से अपना वायर निकाल लिया है और पावर बैंक का ऊपर का ढक्कन उस पे चिपका दिया है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने ऑलरेडी यहाँ पे हमारे वायर जो है वायरलेस चार्जिंग बोर्ड में से निकाल के हमारे पावर बैंक के ऊपर के कवर से होल करके निकाल दिया है और यहाँ पे USB पोर्ट पर पॉजिटिव और नेगेटिव सोल्डर कर दिया है। अब हम ध्यान से सोल्डर तोड़े बिना आराम से वायर को सेट करेंगे अपनी जगह पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने हमारा वायरलेस चार्जिंग बोर्ड जो है वो पावर बैंक से इंटरनली कनेक्ट कर लिया है और बोर्ड भी अपनी जगह पर प्लेस कर दिया है। अब सिर्फ देखना ये है कि ये ऑपरेट होता है कि नहीं। मेरे हाथ में है सैमसंग गैलेक्सी S8 और मैं बस इसको इसके ऊपर प्लेस करूँगा। आप देख सकते हैं हमारे पावर बैंक में से बिना वायर कनेक्ट किए फोन चार्ज हो रहा है। आप देख सकते हैं मैंने कोई यहाँ पे USB पोर्ट कनेक्ट नहीं किया है, सैमसंग S8 को सीधा इसके ऊपर प्लेस कर दिया है। इससे फायदा ये है कि ना ही कोई आपको वायर का झंझट है, ना ही कोई आपको बार बार वायर डालने करने की जरूरत है। बस लाइए, इसके ऊपर रखिए और आपका वायरलेस चार्जिंग जो है वो शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में वो आपको परसेंटेज भी बता देगा। बहुत ही आसान, बहुत ही जो है ये इजीली काम होगा। सो बहुत ही आसान तरीके से हमने हमारा वायरलेस चार्जिंग पावर बैंक बना लिया है। आशा है हमारा ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट पे अगर आप कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और नॉलेज इन यू के ज्यादा वीडियो देखने के लिए आपको ये कॉर्नर में सब्सक्राइब बटन क्लिक करना है ताकि आप हमारे हर एक वीडियो का रेगुलर अपडेट पाते रहें। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें मेल या कमेंट सेक्शन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।